Hello friends, welcome to my Rocking Support YouTube channel. Today I will show you how to install Magento 2.4 on Windows 10 operating system using Composer and command line. Okay, चलो start करते हैं। तो पहले हम लोग को XAMPP को download करना है, XAMPP को download करना है, उसके बाद उसको install करना है। तो क्या करना है, Google में जाना है, कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लो, यहाँ पर टाइप करना है XAMPP, XAMPP डाउनलोड टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो फास्ट वाला एक लिंक आया है, apache-friends.org, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला लिंक हमको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, php 7.4 को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो क्लिक ऑन डाउनलोड बटन, ओके डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने दो, इसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। ओके डाउनलोड कंप्लीट हो गया, अभी इसको इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली टाइप क्लिक करना है यहाँ पर, ओके क्लिक ऑन ओके बटन, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट सी ड्राइव के अंदर होगा, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, थोड़ा इंस्टॉल हो रहा है, होने दो। ओके इंस्टॉल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल, यस। तो क्लिक ऑन फिनिश बटन। अभी हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं अपाची MySQL इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो अपाची को एक बार स्टार्ट करते हैं, MySQL को भी स्टार्ट करते हैं। देन ब्राउजर में जाके यहाँ पर टाइप करना है लोकल होस्ट, देन एंटर। देखो यहाँ पर मेरा Apache इंस्टॉल कंप्लीट हो गया, वेलकम टू XAMPP फॉर विंडोज 7.4 और PHP वर्शन PHP 7.4.11 है, PHP MyAdmin भी यहाँ पर हम लोग का आ गया। ओके नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कंपोजर को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो फिर से नया एक टैब ओपन करना है, यहाँ पर टाइप करेंगे कंपोजर डाउनलोड। तो पहले वाला जो लिंक आया getcomposer.org, इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यहाँ पर देखें डाउनलोड एंड रन कंपोजर setup.exe, इसको क्लिक करेंगे, डाउनलोड कंप्लीट हो गया, अब इसको इंस्टॉल करेंगे, क्लिक करना है इंस्टॉल करना है, देन इंस्टॉल फॉर मी, ओके और इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर। तो इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर करते हैं और यस करते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं कंपोजर इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो ओपन करना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पर टाइप करना है CMD और यहाँ पर टाइप करना है आपको कंपोजर, देन एंटर। ओके हो गया कंपोजर इंस्टॉल, क्या बोल रहा है, कंपोजर वर्जन 2.0.6 हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इलास्टिक सर्च को डाउनलोड करेंगे और रन भी करेंगे। तो फिर से नया टैब ओपन करना है, यहाँ पर टाइप करना है इलास्टिक सर्च डाउनलोड, ओके। तो आ गया elastic.co, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ये वाला लिंक को। देन यहाँ पर डाउनलोड विंडोज के लिए हम लोग डाउनलोड करेंगे, क्लिक ऑन विंडोज लिंक, यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, ठीक। सर्च भी हम लोग का डाउनलोड हो गया, अभी इसको एक बार रन करके दिखाएंगे। तो शो इन फोल्डर करते हैं, शो इन फोल्डर करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, देन सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर XAMPP, उसके अंदर htdocs, यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, पेस्ट हो गया। और यहाँ पर हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो डबल क्लिक करते हैं एक्सट्रैक्ट टू, यहाँ पर ही इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे XAMPP htdocs के अंदर, देन ओके। ओके एक्स्ट्रा कंप्लीट हो गया, क्लोज करते हैं। हाँ यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा कम हो गया, तो एक बार इंसर्ट होते हैं, ओके आ गया। इसको ना एक बार काट करके यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, आ गया, और इसको डाउनलोड करते, सॉरी डिलीट करते हैं। अभी हम लोग इलास्टिक सर्च को रन करेंगे,
तो इलास्टिक सर्च फोल्डर के अंदर जाना है, देन बिन के अंदर जाना है, यहाँ पर इलास्टिक सर्च डॉट बैट बोल के एक फाइल्स होगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्टर करना है, देन क्लिक ऑन यस बटन। ओके रन हो रहा है, एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो कैसे टेस्ट करेंगे, ब्राउजर में जाके एक नया टैब ओपन करना और यहाँ पर टाइप करना है लोकल होस्ट क्लोन देके 9200, देन एंटर। थोड़ा टाइम लगेगा। ओके ठीक है, रन हो रहा है मेरा इलास्टिक सर्च भी हम लोग का अभी रन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मैजेंटो को डाउनलोड करेंगे और देन इंस्टॉल करेंगे। देन फिर से नया एक टैब ओपन करना है, यहाँ पर टाइप करना है मैजेंटो डाउनलोड। तो फर्स्ट वाला जो लिंक है इसको हम लोग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, देन क्लिक करते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाला लिंक हम दे देंगे। तो थोड़ा नीचे आना है, कंपोजर नहीं करेंगे, गिट नहीं करेंगे, हम लोग जीप फाइल को डाउनलोड करेंगे, जीप को। तो वर्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2.4.1 को हम लोग डाउनलोड करेंगे, देन क्लिक ऑन डाउनलोड बटन। ठीक है, और यहाँ पर लॉगिंग करना होगा, तो आप लोग लॉगिंग कर लेना, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप लोग लॉगिंग कर ले को लॉगिंग कर लेना। तो पहले हम यहाँ पर लॉगिंग करते हैं इसको। लॉगिंग एंड डाउनलोड, ठीक है डाउनलोड हो रहा है, ठीक है डाउनलोड होने का, उसके बाद हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। ओके मैजेंटो 2.4 हम लोग का डाउनलोड हो गया, अभी हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं शो इन फोल्डर, देन इसको काट करते हैं, उसके बाद सी ड्राइव के अंदर जाते हैं, सी ड्राइव जैम एस टी डॉक्स, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, हो गया पेस्ट। अभी यहाँ पर ही हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो डबल क्लिक करते हैं एक्सट्रैक्ट टू सी ड्राइव के अंदर जैम, उसके अंदर एस टी डॉक्स के अंदर हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट भी करेंगे, देन क्लिक ऑन ओके। ओके एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है तो इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम लोग का हाँ मैजेंटो सी 2.4.1 आ गया, तो इस फोल्डर का थोड़ा रीनेम कर लेते हैं, मैजेंटो 2.4 रख देते हैं। ओके एंटर हो गया। अभी हम लोग का थोड़ा सा छोटा काम करना है, एक फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन को थोड़ा चेंज करना है। तो क्या करना है, हाँ मैजेंटो फ्रेमवर्क इमेज, ओके वेंडर के अंदर मैजेंटो रूट फोल्डर के अंदर जाना है, वेंडर उसके बाद मैजेंटो उसके बाद फ्रेमवर्क इमेज अडेप्टर, फ्रेमवर्क इमेज एडाप्टर, उसके अंदर gd2.php बोल के एक फाइल है, उसको ओपन करना है। ठीक है देन एक फंक्शन को हम लोग को सर्च करना है, तो ये वाला फंक्शन का नेम हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो validate url scheme इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाके इसको सर्च करते हैं, मिल गया, मिल गया ठीक है। तो इसको डिलीट करते हैं, पूरा फंक्शन को डिलीट करते हैं और यहाँ पर जो फंक्शन है इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करते हैं, पेस्ट हो गया, देन इसको सेव कर देते हैं, सेव करते हैं, हो गया सेव। देन अभी हम लोग इसको रन करेंगे,
इसके पहले आपको देखना है आपका एपाची स्टार्ट होना चाहिए, MySQL भी स्टार्ट होना चाहिए और आपका इलास्टिक सार्च भी आपको स्टार्ट रहना चाहिए। ठीक है, इलास्टिक सार्च भी स्टार्ट रहना चाहिए। तो देखो स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है अभी। देन हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो न्यू एक टैब ओपन करना है, एंटर करना है, देन PHP एडमिन में जाके एक डेटाबेस क्रिएट करना है। देन क्लिक ऑन डेटाबेस बटन, देन यहाँ पर एक db_magento.2.4 इसको चलो magento 2.4, ठीक है। देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन, एक डेटाबेस हम लोग का क्रिएट हो गया। अभी हम लोग को फिर से मैजेंटो का रूट फोल्डर में जाना है, फिर से सी ड्राइव के अंदर htdocs, उसके अंदर मैजेंटो 2.4 रूट फोल्डर के अंदर जाना है। देन यहाँ पर cmd ओपन करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, देन cmd टाइप करना। देखो यहाँ पर आ गया मेरा विद पाथ जैम htdocs मैजेंटो 2.4 आ गया। देन यहाँ पर एक छोटा सा एक कमेंट हम लोग को कमेंट रन करना है, तो इस वाला कमेंट को हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो ये वाला कमेंट को हम पूरा कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर छोटा छोटा कुछ हम लोग को चेंज करना होगा। ओके देखो कमेंट क्या हुआ, PHP बिन मैजेंटो सेटअप इंस्टॉल बेस यूआरएल लोकल होस्ट, यहाँ पर हम लोग का मैजेंटो का फोल्डर का नेम देना होगा, प्रोजेक्ट फोल्डर का नेम देना होगा। तो क्या नाम था, मैजेंटो 2.4, एक बार देख लेते, मैजेंटो 2.4, मैजेंटो 2.4 आप लोग यहाँ से देख भी ले सकते हैं, मैजेंटो 2.4। ओके देन DB होस्ट लोकल होस्ट है, DB नेम एक बार देख लेते, DB नेम क्या है, DB नेम हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। DB नेम क्या दिया था, मैजेंटो 2.4 ही दिया था, मैजेंटो 2.4। ओके एक बार देख भी लेते हैं, मैजेंटो 2.4 हो गया। देन DB यूजर रूट है, कुछ नहीं करना होगा, फर्स्ट नेम एडमिन, लास्ट नेम एडमिन, एडमिन ईमेल यूजर छोड़ दो, और यू एडमिन यूजर है, एडमिन एडमिन पासवर्ड है admin123, इसको ऊपर एट द रेट लगा देते हैं। ठीक है, देन क्या करना है, और कुछ नहीं चेंज करना है, सीधा एंटर देना है। ओके एक एरर आ गया, क्या बोल रहा है यहाँ पर, मिसिंग फॉलोइंग एक्सटेंशन intl सोप xls सॉकेट। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा काम है। तो हम लोग क्या करना है, फिर से जैम फोल्डर के अंदर जाना है, सी ड्राइव के अंदर जैम, उसके अंदर PHP बोल के एक फोल्डर होगा, PHP फोल्डर, देन इसके अंदर php.ini बोल के एक फाइल से उसको ओपन करना है, php.ini को, देन इसको हम लोग ओपन करते हैं, ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या क्या इनेबल करना होगा, एक बार देख लेते हैं, intl इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाके इसको Ctrl+A Ctrl+V सर्च करते हैं, मिला यस मिल गया, इसको हम लोग इनेबल करते हैं। उसके बाद करना होगा सोप को भी करना होगा इनेबल, तो यहाँ पर टाइप करना है SOAP, आ गया, सोप को भी करना है, देन XLS भी करना है और सॉकेट भी करना है, देन सेव कर देना है। ओके सेव हो गया, इसको क्रॉस कर देते हैं, क्लोज कर दें। देन हम लोग को क्या करना है, एपाची को एक बार स्टॉप करना है, MySQL स्टॉप करना है, फिर से स्टार्ट करना है। ओके हो गया, फिर से हम लोग को वही मैजेंटो रूट फोल्डर में जाके फिर से वही वाला कमांड ही हमको रन करना है, देन ऐप एरो की आ गया, देन एंटर।
वाओ, इंस्टॉल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, दो तीन कमेंट रन करना है। तो पहले री इंडेक्स को रन करते हैं, कॉपी करते हैं, देन यहाँ पर जाके मैजेंटो रूट फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है, देन एंटर करना है। ओके, नेक्स्ट कमेंट रन करते हैं, मैजेंटो को अपग्रेड करना है, देन कॉपी करते हैं, देन यहाँ पर जाके फिर पेस्ट करते हैं, एंटर मारते हैं। अपग्रेड हो गया। नेक्स्ट कमेंट रन करते हैं, ये रन करना है ना, कॉपी करते हैं, इसके बाद इसको पेस्ट करते हैं, देन एंटर। इसको रन करने से क्या होगा, मैजेंटो टू डाउनलोड करने के बाद ना, मतलब एडमिन का आइकन नहीं आता है, इमेज वगैरह कुछ नहीं आता है, इसलिए इसको रन करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट कमेंट को कॉपी करते हैं, फिर से रन करते हैं। तो मैजेंटो कैशे क्लीन करना पड़ेगा एक बार, कॉपी पेस्ट देन एंटर हो गया। इसके बाद एक बार फ्लैश भी कर लेते हैं कैशे को, कॉपी पेस्ट एंटर। अरे कथा बोली, ओके हो गया। नेक्स्ट क्या करना होगा, तो एक एक लाइन का एक कोडिंग कोड चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हमको जाना है वैलिडेटर डॉट पी एच पी को ओपन करना है, तो वेंडर मैजेंटो फ्रेमवर्क। ओके, तो इसको ओपन करना है, सी ड्राइव के अंदर एच टी डॉक्स मैजेंटो रूट फोल्डर वेंडर मैजेंटो फ्रेमवर्क व्यू, मैजेंटो फ्रेमवर्क व्यू एलिमेंट, मैजेंटो फ्रेमवर्क व्यू एलिमेंट, उसके बाद टेम्पलेट, उसके बाद फाइल्स, उसके अंदर वैलिडेटर डॉट पी एच की को ओपन करते हैं। ओपन करते हैं और यहाँ पर 138 लाइन के अंदर यहाँ पर एक ए वाला लाइन को हम लोग को डिलीट करेंगे, और ए वाला लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, देन सेव करते हैं। इसके बाद फिर से मैजेंटो कैशे को एक बार कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, मैजेंटो कैशे को एक बार फ्लैश करते हैं। ओके, हो गया। चलो अभी देखते हैं तो क्या करना होगा, ब्राउजर में जाके यहाँ पर लोकल होस्ट, चलो मैजेंटो 2.4 देन एंटर। मैजेंटो वेबसाइट ओपन हो गया, अभी हम लोग एडमिन को ओपन करेंगे। तो इसको कॉपी करते हैं, नया एक टैब ओपन करते हैं, यहाँ पर टाइप करना है एडमिन देन एंटर। ओके, यूजर नेम और पासवर्ड भी डालना है हम लोग को। उसके पहले एक और एक छोटा कमेंट हम लोग को रन करना है, तो इसके क्या होगा, मैजेंटो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को डिजेबल कर देगा। इसको कॉपी करते हैं, देन इसको यहाँ पर जाके मैजेंटो रूट फोल्डर में जाके यहाँ पर वो पेस्ट करना है और रन करना है। ओके, कैसे क्लियर हो गया। ओके, कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेंगे।
एडमिन और पासवर्ड दिया था एडमिन एट द रेट 123, देन क्लिक ऑन साइन इन बटन। वाओ, इंस्टॉल डैशबोर्ड ओपन हो गया, इसको अलाउ करते हैं। सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। ओके, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग और भी कुछ देखेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग का मैजेंटो 2 इंस्टॉल, मैजेंटो 2.4 इंस्टॉल कंप्लीट हो गया। मेरा वेबसाइट है और मेरा यहाँ पर एडमिन का डैशबोर्ड। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे होम स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।